परिक्रमण होता है तो वहाँ के नगर निगम के कर्मी और वहाँ के जो थाना के कर्मी है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसे कोई भी जो निजी संपत्ति के लाइन में नहीं है, प्रॉपर्टी लाइन में नहीं है, सड़क पे पार्किंग करते हैं और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो उसको अतिक्रमण मानते हुए उसको हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शिवम कुमार। अतिक्रमण हटाओ और जाम से मुक्ति दिलाओ की अभियान एक बार फिर से पटना की सड़कों पर शुरू हो गई है। जी हाँ, राजधानी पटना की सड़कों पर पटना के DM कुमार रवि, कमिश्नर संजय अग्रवाल और नगर आयुक्त, तीनों लोग जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और तमाम उन दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है जो दुकान सड़क के बीचों बीच या सड़क के किनारे है, जिसके कारण जो जाम लग की समस्या जो उत्पन्न हो रही है उन सभी दुकानों को बंद किया जा रहा है और उनसे फाइन भी वसूला जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो पटना जिलाधिकारी हैं वो अतिक्रमण हटाओ के अभियान किए थे, लेकिन कुछ दिनों तक ये सही रहता है, उसके बाद से फिर से एक बार जाम की समस्या देखने को मिलती है। कि शुरुआत जो है वो पटना के बोरिंग रोड चौराहे से की गई है। तकरीबन 7 दिनों तक ये जो अतिक्रमण का अभियान है ये चलने वाला है। आपको बता दें, जब इसको लेकर हमने पटना के DM कुमार रवि और कमिश्नर संजय अग्रवाल से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर कोई भी ऐसे दुकानदार जो या ठेला वाले, रिक्शा वाले, जो भी अगर रोड के किनारे लगाते हैं तो उनसे फाइन वसूला जाएगा और आपको बता दें कि उनके सामानों को भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं पटना के DM कुमार रवि और संजय अग्रवाल ने पटना की जनता से ये भी अपील की है कि अगर आप भी कहीं ऐसी समस्या जो अभी रोड के किनारे जो दुकान लगा देते हैं उन समस्याओं या उन लोगों को अगर आप देखते हैं तो आप भी हमारे पास आएँ और हमसे उन लोगों की शिकायत करें, हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है पटना के DM कुमार रवि और संजय अग्रवाल का। नहीं होनी चाहिए, मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे और ये अभियान 7 दिन तक चलेगा और हम लोग इसमें बिजली विभाग, सड़क विभाग और नगर निगम सहित अन्य सभी विभागों को शामिल कर रहे हैं ताकि यदि कुछ हटाने से, जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर रोड के बीच में है, यदि हम उसको हटा देते हैं तो रोड काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। यदि कहीं पर रोड को चौड़ी करने का जरूरत है तो रोड को चौड़ा भी किया जाएगा। कई जगह फुटपाथ नहीं है, लोग पैदल रोड पर चलते हैं तो फुटपाथ न केवल बनाए जाएंगे बल्कि फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा। तो इन सब प्रायोरिटीज़ के साथ काम चल रहा है और अगले 7 दिन तक ये अभियान चलेगा ताकि पटना में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्या निजात मिल सके। सर, एक चीज़ कॉमन देखा गया है कि आप लोग कोशिश करते हैं, अभियान की शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों तक ठीक रहता है, फिर बाद में वही परिस्थितियाँ हो जाती हैं। नहीं देखिए, ये गंभीर विषय था और इस पर हम लोगों ने अभी IG पटना के साथ भी मीटिंग की है। इसमें पुलिस थाने जिन जिन थानों क्षेत्र में है उनको जवाबदेह बनाया जा रहा है और नगर निगम की टास्क फोर्स भी अब काम करेगी। यह नहीं कि अतिक्रमण कोई एक साप्ताहिक या पाक्षिक अभियान है, ये रूटीन अभियान होना चाहिए। तो नगर निगम के द्वारा इसमें स्पेशल टीम भी गठित की जा रही है, पुलिस के द्वारा भी टीम गठित की जाएगी। अब उनकी जवाबदेही रहेगी, अगर किसी क्षेत्र में फिर से अतिक्रमण होता है तो वहाँ के नगर निगम के कर्मी और वहाँ के जो थाना के कर्मी हैं उनकी जवाबदेही भी फिक्स की जाएगी। ये देखिए, लगातार इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि पहले भी, पिछले साल भी बहुत सारे इंक्रोचमेंट तोड़े गए थे और उसके बाद पुनः कई स्थानों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिसमें लोगों को ट्रैफिक में बाधा हो रही है। तो ये अभियान लगातार चलाया जाएगा और नगर निगम और थाना के माध्यम से ऐसे जो अतिक्रमण मुक्त स्थल हैं उसको लगातार मुक्त करके, मुक्त रखने और फ्री रखने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर इलाकों के अनुसार क्या कोई दिन तय किया गया, किन किन इलाकों में किस दिन या पूरे पटना में ये अभियान? नहीं, इसमें अभी तत्काल 3 टीमें प्रारंभ की गई हैं और एक कंकड़बाग में है, दूसरा बोरिंग रोड में, तीसरा स्टेशन रोड और उसके आसपास के इलाकों में है। इन सभी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी ओवर ब्रिज है उसके नीचे अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाएगा, क्योंकि कई स्थानों पर पुल निर्माण निगम के द्वारा उसको पार्किंग बनाया गया है तो लोग वहाँ पार्किंग नहीं करके सड़क पर ही पार्किंग करते हैं जिससे ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसको भी, उस पर भी ध्यान दिया जाए। सर, बोरिंग रोड के कई इलाकों में कार पार्किंग ये बन गया है जो कार बेचने वाले लोग हैं। नहीं, ऐसे कोई भी जो निजी संपत्ति के लाइन में नहीं है, प्रॉपर्टी लाइन में नहीं है और सड़क पे पार्किंग करते हैं और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो उसको अतिक्रमण मानते हुए उसको हटाया जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।